Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. देखिए ये प्रोग्राम के पहले थोड़े से कुछ वक्त हम अपने आप को अलाइन करेंगे कि ये चीज क्या है और क्यों करना चाहिए. कोई भी चीज करने से पहले क्यों करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. करना चाहिए हर कोई बोलेगा, मगर क्यों करना चाहिए उसके लिए हमारे को ये डिस्कस करना चाहिए. सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जब आप ये वर्ड देखते हैं ड्रीम्स, तो आपके जहन में क्या आता है, आपके दिमाग में क्या आता है. और ये इंटरेक्टिव सेशन है तो आप जो है इसमें जितना इंटरेक्ट कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा बेहतर है. तो मैं चाहूंगा कि आप अपने ख्याल बताएं. जब वो ऊपर वाला जो आप सिंबल देखेंगे वो जो सर्कल है, इसका मतलब है कि आपको अपने ख्याल बताने. ठीक है, तो कोई है जो ड्रीम्स के बारे में वो क्या सोचते हैं वो बताएं. ड्रीम्स क्या होता है, कौन शेयर करेगा? एक सिंपल सा ख्वाब, जो ड्रीम्स का मतलब सपने होते हैं, ख्वाब होते हैं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. वैसे ड्रीम्स का लफ्ज मेरी तो सपना ही होता है, ख्वाब. लेकिन कुछ लोग खुले आंखों से भी सपने देखते हैं. जैसे कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उसका हम किस तरह से पॉजिटिवली भला कर सकें, तो ये एक डायरेक्शन होता है और उसकी तरफ आप जितना चाहें अपना कदम बढ़ा सकते हैं. तो भाई आपका नाम? फैज अहमद भाई ने बताया कि ड्रीम्स वो होते हैं जो हम खुले आंखों से देखते हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि ड्रीम्स वो होते हैं जो रात में हम जो सोते हैं उसके अंदर जो ख्याल आते हैं उसको ड्रीम्स बोला जाता है. पर ड्रीम्स वो होते हैं हकीकत में जो आदमी को सोने नहीं देते. ऐसे कितने लोगों को ड्रीम्स आते हैं मुझे पता नहीं, मगर मैं तो अच्छे से सोता हूँ, ड्रीम्स भी आते हैं, मगर मैं वैसे भी सोचता हूँ तो मुझे ड्रीम्स आते हैं. तो दोनों कंडीशन में मुझे ड्रीम्स आते हैं. आप लोगों को अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपका कोई ड्रीम है तो आप उसे शेयर मत कीजिए, मगर आप अपने जहन में 2 सेकंड के लिए वो ड्रीम को लाइए. किसी के लिए एक नया घर होगा, किसी के लिए एक गाड़ी होगी, किसी के लिए कुछ होगा. आप वो ड्रीम जो है अपने सर में अपने जहन में ले आए कि मुझे ये ड्रीम, मेरा जिंदगी का एक ड्रीम है वो मुझे हासिल करना है. वो कोई भी ड्रीम हो सकता है, वो आप अपने जहन में लाइए. जब आप ये जहन में लाएंगे सोच के तो आपको आगे का जो प्रोसेस है वो ज्यादा समझ में आएगा. तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगा. एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है दुनिया में, उनका मैं आपको फोटो दिखाता हूं, आप देखिए आप उनको पहचान पाते हैं. आई वाज एक्सपेक्टिंग. वालेकुम सलाम. फाउंडर ऑफ अलीबाबा ऑनलाइन रिटेल स्टोर. थोड़ा सा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, व्हाई ही इज सो पॉपुलर. He is so popular because he started from the niche, from the ground level, and reached, completed his aspirable dream of becoming one of the biggest retail chain, online retail chain. Very nice, very nice. क्या हम खीजर के लिए तालियां बजा सकते हैं? देखिए देखिए बिल गेट्स को हर कोई जानता है, धीरूभाई अंबानी को हर कोई जानता है, स्टीव जॉब्स को हर कोई जानता है. ये लोग हैं जिन्होंने एक ख्वाब देखे और बहुत छोटे लेवल से ऊपर गया. हर आदमी में ये चीजें, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, बाहर भी बहुत सारे लोग हैं. तो हम लोग इनकी जब जिंदगी को देखते हैं तो ये जिंदगी से हमें क्या मिलता है कि अगर इनके ख्वाब अगर पूरे हो सकते हैं मेहनत से और मशक्कत से, और जब आप मेहनत करते हो तो आप लकी बन जाते हो. बिना मेहनत के कोई लकी नहीं बनता. तो जब आप लकी बनते हो तो आपकी जिंदगी में कैसे चेंज आता है. तो जैसे अभी हम लोग एक छोटा सा वीडियो भी देखेंगे इनके लिए, तो मैं इनके बारे में बता दूं. ये फोर्ब्स मिलेनियल्स लिस्ट के अंदर 33 नंबर पे है. जैक मा चाइनीज है बाय ओरिजिन. इन्होंने एक वेबसाइट बनाया अलीबाबा.com, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी जो चाइना में नहीं हो रही थी, amazon.com और बहुत सारे वेबसाइट्स थे जो पूरे दुनिया में तहलका मचा रहे थे, मगर चाइना उस चीज से दूर था, उस चीज से महरूम था. इन्होंने क्या किया, चाइना में ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया और वो चीज अभी चाइना के अंदर नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर फैल गई है. और अगर आप देखेंगे तो ये बंदा सेल्फ मेड है ना, इनके पास कोई बहुत ज्यादा, जैसे किसी को रेफरेंस नहीं देना चाहूंगा, मगर कोई ये नहीं इंडस्ट्रियल बंदा है जिसके उसने नहीं चीज मिली है, ऐसा नहीं है.
इसने खुद ने बनाया अपना, हर चीज इसने बनाया है। अगर आप देखेंगे वैसे वो टीचर भी रह चुके हैं, उनकी कहानी थोड़ी सी हम देखेंगे शॉर्ट में, आप देखेंगे। Startup Stories in association with olook.in. We keep our dreams. We believe it. No matter how big your dream is, make small, tiny steps ahead. When I graduated from universities, and before I, you know, for 3 years I tried to fill in the universities. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police, they said, no, you're not good. I applied for Harvard for 10 times, rejected. Today, a lot of young people lose hope, lose vision, and start to complain. Because we also have the same period, because when I got, it's not a good feeling being rejected by so many people. We also depressed, but at least later we find the world has a lot of opportunity. How you see the world, how you catch the opportunity. We don't have a rich father, powerful uncle. We don't have a $1 from bank, 1 cent from government. Just work as a team. Because most of the people, they have a fancy ideas in the day. When they wake up in the morning, they go back to do the same job. We have to do something different. So from there, I started my business borrowing $2,000 from my relatives and friends. So 1999, I started Alibaba in my apartment. People say, oh, Alibaba model is terrible. Does not make money, have this and that, all the big bad things, because Amazon is better, eBay is better, Google is better. And there's no such model like Alibaba in the USA. So I told myself and people, we were better than people thought. And those people who are expert of riding horses, they all fall down and I'm still surviving. So many people I talked to at that time for Alipay, they say, this is the stupidest idea you have ever got. Now we have 800 million people using this Alipay. My advice to the young people, any mistake, it's an income, it's a wonderful revenue for you. So I tell myself and told my young people, before 20 years old, be a good student. When you do entrepreneur, just learn some experience. Before 30 years old, follow somebody. Go to a small company. Normally in a big company, it is good to learn processing. You are a part of a big machine. But when you go to small company, you learn the passion, you learn the dreams. You learn how to do a lot of things at one time. So before 30 years old, it's not which company you go, it's which boss you follow. It's very important. A good boss teaches you differently. From 30 to 40 years old, you have to think very clearly, you're working for yourself if you really want to be entrepreneur. When you're 40 to 50 years old, you have to do all the things that you are good at. Don't try to jump into the new area. It's too late. You may be successful, but the rate of dying is too big. So 40 to 50, think about how can focus on things that you are good at. But when you are 50 to 60 years old, work for the young people, because young people can do better than you. So rely on them, invest on them, making sure they're good. आप लोगों ने वीडियो देखा है तो इसमें से कुछ मैसेजेस आपको मिले हैं, तो कोई ऐसा है जिसने वो मैसेज को कैच किया है और वो रिपीट करना चाहे, बताना चाहे कि आपने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ही हमेशा बात करूं, आप लोग इसके अंदर क्या आप देख के समझ पाए हैं वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। चाइनीज बंदा है, चाइना वाले ज्यादातर इंग्लिश बोलते नहीं है और आप देखेंगे कि ये फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है। ऐसी जगह पे जहां पर चाइना के अंदर इंग्लिश बहुत, इंडिया में एडवांटेज है मगर चाइना का डिसएडवांटेज है, वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। मगर आप लोगों ने और बहुत सारी मैसेजेस है जो आपने सुने होंगे, वो अगर आप बताना चाहें, रिपीट करना चाहें कि उनके जिंदगी में उन्होंने क्या किया, कैसे किया, अगर आप
दोहराना चाहे तो आपने अगर कैच किया तो बता सकते हैं। मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में जल्दी से बता रहा हूँ। 30 बार इन्होंने इंटरव्यू दिए हैं कंपनीज में, फेल किए गए, रिजेक्ट किए गए। KFC के अंदर 25 लोग गए थे इंटरव्यू के लिए, जब KFC चाइना में गई वहां पर 24 लोगों को सेलेक्ट किया गया, इनको रिजेक्ट किया गया। और उसके बाद पुलिस के अंदर गए कुछ पुलिस के एग्जाम्स के लिए, वहां पर भी रिजेक्ट किया गया। सोचो ये जिंदगी में कितना रिजेक्शन फेस कर चुके। उसके बाद इन्होंने बोला कि ठीक है मैं खुद कुछ अपना स्टार्ट करता हूँ। $2,000 बोरो किया फैमिली मेंबर्स से और एक बिजनेस सेटअप किया, और उनके पास कोई ज्यादा मैनेजर्स ये वो इधर उधर कुछ नहीं था। उन्होंने एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया और आज दुनिया में जो है अमीर तरीन लोगों में शामिल है। ये जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाते हैं, घूमते हैं दुनिया में, किसी भी जगह पे जाते थे इनकी इंटरव्यूज होते हैं, बिल गेट्स वगैरह वगैरह ऐसे लोगों में इनका शुमार होता है। मगर अगर इनकी लाइफ हिस्ट्री देखोगे तो एक्सट्रीम पॉवर्टी से, इसको बोलते हैं इनके अम्मी अब्बा क्या करते थे मालूम है, जो घर घर जाके जो म्यूजिक बजा के जो पैसा जमा करते थे वैसे इनके अम्मी अब्बा ने किया। इनके पास कोई दौलत नहीं थी, कोई डिग्रीज नहीं थी उनके अम्मी अब्बा के पास, ये कुछ नहीं था, पर इन्होंने अपना खुद का सेटअप किया। तो खैर मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल जब आते हैं तो हमारे अंदर भी ये फीलिंग आती है क्यों नहीं मैं अपने ड्रीम्स को भी अचीव करूं, क्यों नहीं मैं अपने जो ख्याल आते उसको भी मैं आगे लेके जाऊं, मुझे जो करना है वो भी क्यों नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये दिखाना था। हमने देखा कि उसको सक्सेस क्या था, सीधी सी बात है कि उसने बोला कि मैं कुछ भी नहीं रहेगा तो भी मैं सक्सेसफुल होकर दिखाऊं। आप लोगों को कोई ऐसी चीज है जो पीछे खींच रही है, कोई ऐसी चीज है जैसे कि कोई ऐसी चीज है जो आपको होल्ड बैक कर रही है कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकता, मेरे तो कभी ख्वाब पूरे हो ही नहीं सकते, ऐसा कोई है जो ऐसी चीजें सोचता है? अगर यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हर आदमी जो मेहनत करता है उसके ख्वाब पूरे हो सकते हैं। अभी हमारे दरमियान भी एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने एक टाइम पे एक ऐसे ख्वाब देखे थे जो भिवंडी में बहुत कम लोग सोचते थे कि ये चीज हो या हो सकती है, मगर उन्होंने भिवंडी में रहते हुए अपना एक खुद का एक बिजनेस सेटअप किया जो माशाल्लाह आज बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा कि मैं खान साहब को बुलाऊं और वो अगर आगे थोड़ा सा उनकी बारे में इंट्रोडक्शन दें तो बहुत अच्छा। थैंक यू साहब, अस्सलाम वालेकुम। शेर याद आ रहा है, दुनिया में कामयाबी का सिर्फ एक ही राज है, वो है काम। कुछ किए जा तो लेके नामे खुदा, कुछ न करना बड़ी खराबी है। कामयाबी कोई चीज नहीं, काम करना ही कामयाबी। सुभान अल्लाह। तो जो लोग काम करते हैं वही कामयाब होते हैं। सिर्फ ख्वाब देखना नहीं, ख्वाब के साथ काम करना। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है, आपने और ये आपका यहाँ तारुफ जो पेश किया जा रहा है वो उनकी पढ़ाई में नहीं है, उनकी पढ़ाई उनका काम है। उनका तारुफ पेश करने का मकसद आप लोगों के सामने एक और एग्जाम्पल देना है कि अगर आप काम करें कामयाबी जरूर जरूर आपका साथ। मेरी मुराद मुमताज अहमद अतर वाले साहब से है। आपने इब्तदाई तालीम रईस हाई स्कूल से हासिल की, 1970 में आपने IVI कॉलेज मुंबई से BSc पास किया। इसके फौरन बाद रईस हाई स्कूल के ब्रांच पड़गा बुरुवली में 4 साल तक साइंस टीचर की हैसियत से काम करते। उसके बाद 1976 में आपने पुणे यूनिवर्सिटी से फार्मेसी किया और अपनी दवाओं की फैक्ट्री बदलापुर MIDC में शुरू करने की जद्दोजहद में लगे रहे। 1976 भिवंडी का एक शख्स अपनी खुद की कंपनी MIDC में शुरू करने की जद्दोजहद, मगर किसी वजह से ये प्रोग्राम पूरी तरह कामयाब ना हो सका। आखिर मजबूरन आपको ये फाइल बंद करना पड़ी, आपने सिर्फ फाइल बंद की, नाकाम बन गई। मगर अल्लाह का एहसान है कि तकरीबन 3500 बार ये फाइल दोबारा मुमताज ट्रेडर्स और तजीन रजिस्टर्ड ब्रांड के मातहत उनके साहबजादे अदनान अहमद ने, जो कि खुद PE मैकेनिकल एंड बिजली पाइपिंग में है, पूरे वकार और नए अंदाज के साथ शुरू कर दिया। एक उखाब जो 35 साल पहले भिवंडी का एक शख्स MIDC में अपनी कंपनी शुरू करने का देखता है और उसके पीछे लगा रहता है, उस ख्वाब को पूरा करने में उनका लड़का साथ देता है और आज वो कंपनी आपके सामने उसकी एक कड़ी आज का ये सेमिनार है। अल्लाह से दुआ है कि जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं उन्हें और कंपनी को कामयाब और कामरान करें। इस कंपनी की सारी दुनिया कुरान के एक मैसेज के ऊपर है, वो है वह ऐसा मरीसुदो फहुआ जश्मीन। माफ करना अगर मैंने कहीं गलत पढ़ा हुआ है, इसका मतलब होता है जब मैं मरीज होता हूँ अल्लाह शिफा देता है। ये कुरान का ऐलान है और इसी ऐलान की बुनियाद पर आपकी कंपनी की बुनियाद है। हमारा काम सिर्फ ईमानदारी से दवा करना,
तैयार करना है, खिदमत खल करना है, बाकी शिफा देने वाला अल्लाह ताला है। इत्रियात की दुनिया में आप लारा प्राण के अंदर कई इत्रियात और नॉन अल्कोहल स्प्रे भी शामिल है। मैं चाहूंगा कि यहाँ मौजूद हर शख्स आपके लिए पुरजोर तालियों के साथ आपकी हिम्मत बताते और जो यहाँ मौजूद है उन्हें भी जो है ना इनके काम से हिम्मत। मैं चाहूंगा मुंतजर साहब से कि आप आए। सबसे खास बात आपकी स्टोरी में है ये है कि भिवंडी शहर 35 साल पहले का भिवंडी शहर और इतना बड़ा ख्वाब कई मसायल के बावजूद छोड़ना नहीं, 35 साल पहले बीएससी की डिग्री हासिल करना बहुत बड़ी बात थी। भिवंडी जैसे शहर में वो चाहते तो कहीं जॉब करके अपनी जिंदगी को बहुत सुकून और 9 से 5 वाले जॉब में बहुत आसानी के साथ गुजार सकते थे, मगर वो सब ना करते हुए अपने काम के पीछे लगे रहे, जद्दोजहद के पीछे लगे रहे और उन्हीं का ख्वाब उनके बच्चों में ट्रांसफर हुआ और वो चाहते हैं कि यही चीज आप भी उनके साथ शामिल होकर इस आगे बढ़ाए। बहुत बहुत मुबारक सर, बहुत बहुत। और वो कहते हैं कि कुछ लोग किसी चीज के लिए बने रहते हैं, अल्लाह तआला ने उनको उस हुनर और उस फन का दिया हुआ है। तो हमारे खान साहब जो है उर्दू में माशाल्लाह काफी अच्छे और मुमताज सर तो ऐसे हैं कि जब ये कैलीग्राफी करते हैं और पेंटिंग करते हैं तो मेरे ख्याल से आप उसे म्यूजियम में भी रख सकते हैं इस तरीके से। तो अल्लाह ताला जिसको जो हुनर देना चाहे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दो स्टोरी हमने देखी, एक जैक मा की और एक मुमताज साहब की, दोनों से आपको कुछ हासिल होता है। देखिए आज मैं ये प्रोग्राम में ये सब क्यों शेयर करना चाहता हूँ, मैं ये शेयर करना इसलिए चाहता हूँ कि जो हम आगे बताने जा रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट आए या ना आए वो आपके ऊपर है, मगर जो अभी तक बताया हूँ वो तो आपको कम से कम काम आएगा, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं काम आएगा। तो हम देखते हैं कि की टेक अवेज क्या है। आपको बड़े ख्वाब देखने हैं और आपको उसके लिए जस्तजू करते रहेंगे, आप में जो जो खामियां है उसको इम्प्रूव करना है। आपको सोच के अंदर कहीं भी कोई ये नहीं लानी है कि ये मैं इतना ही कर सकता हूँ या इसके आगे नहीं कर सकता, आपको हर दिन कुछ नया कोशिश करना है और आपके डिफिकल्ट सिचुएशंस या कोई मुश्किलात में भी आपके होप्स को आपकी उम्मीदों को पस्त नहीं होने देना है। ये सारी चीजें और हमें ऐसा नहीं है कि जिंदगी में हर वक्त हमें सक्सेस मिलती है, हम फेल भी होते हैं। जैक मा 30 बार फेल हो गया इंटरव्यू में और बहुत अजीब अजीब तरीके से फेल हुआ, मगर उसने फिर भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। बोले ना मुश्किल के आगे आसानी होती है। तो ये जो है और आप जब जैसे आज ये सबसे बड़ी बात यह है कि सर यहाँ पर इसलिए मुमताज सर यहाँ पर इसलिए हमने उन्हें इनवाइट किया है कि इनके सक्सेस को शेयर करना चाहिए। तो हमें भी जिंदगी में जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो हमें लोगों से शेयर करना है। जिस लिफ्ट से आप ऊपर आए हैं उसको वापस नीचे भेजना है ताकि दूसरे लोग भी ऊपर आए, वो लिफ्ट को वहीं पर रोक के रखेंगे तो जिंदगी भर कोई फायदा नहीं होगा किसी का। हमें लिफ्ट को नीचे भेजना है वापस के दूसरे लोग उससे ऊपर, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर आपके पास कोई प्लान है अपने ड्रीम्स को अचीव करने का तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो उसके साथ साथ एक और प्लान है और वो प्लान हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर नंबर एक आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत लो इन्वेस्टमेंट है, नंबर दो आप एक भले बिजनेस ना स्टार्ट करना चाहते हो और एक एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नंबर तीन अगर कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं वो सोच रहे हैं कि मैं एमबीए करूंगा मैं आगे की पढ़ाई करूंगा, मगर उनके पास आज हो सकता है उतना फंड्स नहीं हो, उनके माँ बाप के पास ये फंड्स नहीं हो, तो वो ये चीज लेके अपनी पढ़ाई के लिए भी आगे इस्तेमाल हो सकता है और आखिर में जो है अपनी फैमिली इनकम वो भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ये पूरे ऑब्जेक्टिव हमारे जो है हमने आपको बता दिए कि हम इस चीज से आपको क्या फायदा होना चाहिए या आप क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हमारे से, ये क्लियर हो जाता है। अब कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि कोई एमएलएम कोई नेटवर्क मार्केटिंग कोई चेन बनाने वाला काम नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। तो आप लोग ये चीज से बाहर आ जाओ कि इसमें कोई एमएलएम वगैरह होगा या ऐसे कुछ होगा। नंबर दो ये कि इसमें कोई टारगेट नहीं है। एमएलएम डिफाइन करेंगे। अच्छा एमएलएम बहुत अच्छा सवाल पूछा सर ने। एमएलएम ऐसा होता है जिसे बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। अभी मल्टी लेवल मार्केटिंग में मैं किसी कंपनी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, मगर ये फलसफा होता है कि आप ये चीज खरीदी है और आप ऐसे 15 लोगों को चुनिए जो ये चीज खरीदेंगे और फिर वो 15 लोगों को ऐसे चूज करेंगे वो ऐसे चेन बनाना है। उनका ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव चेन है। जो पैसे उनको मिलते हैं वो प्रोडक्ट के लिए नहीं मिलते, वो चेन बनाने के लिए मिलते हैं।
यहाँ पर वो चीज नहीं है, यहाँ पर जो हम चीज बात करना चाहते हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी कि वो कैसे वर्कआउट करेगा। तो एमएलएम जो है चेन बनाओ, नेटवर्क बनाओ, ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं है, ये मैं क्लियर करना होगा। नो टारगेट, यहाँ पे टारगेट कुछ नहीं है, मगर फिर भी आप अपने हिसाब से ग्रो कर सकते हैं, जितना चाहे उतना ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कहेगा कि नहीं आप इतना ही ग्रो कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं जहाँ पे सर्विस करता हूँ, मुझे मालूम है कि मेरे को 3 साल के बाद ही प्रमोशन मिलेगा या 1 साल के बाद इंक्रीमेंट मिले या ना मिले, मगर यहाँ पर ऐसा है कि आपको डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए जिंदगी में। आपको ग्रोथ चाहिए तो आप ग्रोथ के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे, आपको ज्यादा ग्रोथ भी मिल सकती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसके लिए हम पूरी ट्रेनिंग आपको देंगे। ये ट्रेनिंग क्या है? ये ट्रेनिंग है प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपको सामने नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे 70 और प्रोडक्ट्स हमारे और हैं जो यहाँ पर रखे हुए नहीं है, और भी लॉन्च हो रहे हैं जो होने वाले हैं कुछ 1 महीने के अंदर अंदर। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है इसको हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG। FMCG ऐसी चीज है जिसके अंदर हर इंसान को वो जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपको किसी को ढूंढना है कि हाँ इसको जरूरत है या नहीं है, हर इंसान को जरूरत है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ट्रेनिंग के बाद जो है आपको सर्टिफिकेशन भी मिले। हम ये भी चाहते हैं कि ये सर्टिफिकेशन सिर्फ मुमताज ट्रेडर्स की तरफ से ना हो, इसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेट मिला है, तो ये भी हम चाहते हैं कि ये भी उसमें आ जाए, और वो करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना ही है, मगर फिर भी मैं डिटेल में थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ। 70 साल पुराना ब्रांड, आजकल वाला नहीं है, 70 साल से ये ब्रांड माशाल्लाह चल रहा है। हाई क्वालिटी FMCG प्रोडक्ट्स हैं, मगर इनका इस्तेमाल जो है हर कोई करता है। जैसे मैंने बताया हर कोई FMCG प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें यूनानी और आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे मिलते हैं FMCG में जो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाते हैं, मगर ये हर प्रोडक्ट जो है ये यूनानी प्रोडक्ट है, इससे फायदे ही फायदे हैं, जिसको मैं खुद इस्तेमाल कर चुका हूँ। इकोनॉमिकल प्राइस रेंज है, जैसे आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो आपको 600 रुपए का एक मंजन बेच सकते हैं या बेचना चाहते हैं, 2000 रुपए का एक दवाई का डब्बा बेचना चाहते हैं जिससे आपको विटामिन मिले। ये चीज यहाँ पर नहीं है, ये ऐसा ब्रांड है या ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत हाई क्वालिटी है, असली प्रोडक्ट है, मगर प्राइस में ये वो नहीं है कि जो आप सोचेंगे या लू या मत लू, आप प्राइस के वजह से सोचेंगे नहीं इस प्रोडक्ट में, क्वालिटी तो बहुत बढ़िया ही बढ़िया है। दूसरी चीज है कि क्वालिटी जब हम बनाते हैं तब ये सोचते हैं कि कस्टमर के लिए क्या फायदा होगा। कल सर से मेरी बात हो रही थी तो सर ने बताया कि जो हमारी पैकेजिंग है उसमें भी हम कस्टमर का फायदा सोचते हैं कि वेस्टेज ना हो, उसमें से कुछ चीज लीक ना हो, ये बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। प्रोडक्ट्स क्या है, आप बोलेंगे ये सारी बातें तो होंगे, प्रोडक्ट्स बताओ। तो प्रोडक्ट्स के अंदर देखेंगे आप रोलॉन अतर्स है, उसके बाद परफ्यूम स्प्रे है, उसके बाद आप देखेंगे तो हर्बल ऑयल है और यूनानी प्रोडक्ट। सबसे पहली बात मैं बताऊंगा आपको कि ये सारे जो ब्रांड्स है वो तज़ीन और लारेव इंटरनेशनल ब्रांड है, तो ये एक रजिस्टर्ड ब्रांड है और ये जो है काफी माशाल्लाह मशहूर भी है। लोग मैं जानता हूँ क्योंकि मैं खुद यूज कर चुका हूँ, मेरे ऑफिस में मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जैसे स्प्रे वगैरह लेके गया था, लोगों ने मुझसे मांगा है कहा था कि ये मुझे चाहिए, तो बहुत स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नो गैस नो अल्कोहल है। इसमें कहीं पे भी जैसे आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो आप यूज करते हैं तो नमाज में अल्कोहल वाला स्प्रे रहता है तो नमाज नहीं होती है, मगर ये आप देखेंगे तो नॉन अल्कोहल वाला है। नो ऑर्डर नो स्टेन। अगर जब आप तेल की बात करते हैं तो जैसे हम अपने को किसी का नाम भी ले रहे हैं, कोई तेल रहता है जिसके अंदर कलर होता है, कोई तेल रहता है जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, स्मेल यानी ऑर्डर जिसको बोलते हैं बदबू टाइप होती है, बदबू जैसे अनप्रेजेंट ऐसा लगता है यार ये क्यों इतनी खुशबू इसमें बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गया, तो वो सब नहीं है इसमें। और अगर आप वो आखिर के प्रोडक्ट देखेंगे यूनानी प्रोडक्ट्स, तो उसके अंदर आप देखेंगे तो ये सारे ताकत की चीजें हैं जो हर इंसान को लगती है, तो मैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा। टूथ पाउडर से लेके ग्लिसरीन सोप से लेके अगरबत्ती और जो आपके नेचुरल पावर जो है ये लुब्रिको पावर है, ये हर एक प्रोडक्ट का मैं आपको डिटेल में ज्ञान बात बता सकता हूँ, बट ये सरसरी तौर पर आपको स्नैपशॉट दिखा रहा है। एक डिस्प्ले है जो आपको सामने भी दिखाई दे रहा है, मगर ये मैंने यहाँ पर कुछ उसके इमेजेस डाले हुए हैं। रोड ऑन अदर्स है। अभी ये ऑयल जो है देखिए ये जो है जैसे मिसाल के तौर पर मैं और ये ऐसी कोई बड़ा चढ़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं ऑफिस से थका आ रहा हूँ, 5 घंटे की हमारी ट्रैवलिंग है मुंबई से, घर पे आने के बाद जब मैं सो जाता हूँ तो सोने से पहले ऐसा लगता है एकदम थक गया आदमी। एक बार मैं अदनान भाई के ऑफिस में गया था, उन्होंने मेरे को एकदम प्यार से कुछ चीजें गिफ्ट की है, उसमें एक गिफ्ट मेरे को तज़ीन मसाज ऑयल था, और इत्तेफाक से मेरे को 2-3 दिन बाद मैंने सोचा कि वो लगा के मैं आराम करता हूँ। यकीन मानिए नो मार्केटिंग गिमिक,
कोई सेल्स स्टॉक नहीं है, मगर वो माशाल्लाह बहुत आराम मिलता। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको फायदे पहुंचा, जिसका आपको एडवर्टीजमेंट कहीं पे नहीं दिखेगा, मगर जब पब्लिक यूज करेगी तो मांग के लेगी, मुझे वो चाहिए। ये सारी चीजें, ये फलौजी ऑयल है जो बहुत फेमस है कि हर चीज के लिए ये फायदेमंद। ये हेयर ऑयल है जो लेडीज इस्तेमाल कर सकती है, जेंट्स भी कर सकते हैं। बेबी ऑयल बच्चों की मालिश वगैरह के लिए लगता है, हर घर में लगता है। अब नेचुरल पावर ऐसी चीज है जो हमारे को विटामिन या ताकत की जरूरत है, वो चीज है। लिब्रिनो पावर जो है ये ऐसा है कि जो जईफ लोग हो जाते हैं, जो थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं, उनके घुटने वगैरह में शिकायत हो जाती है, लुब्रिकेशन कम हो जाता है, वो लिब्रिनो पाउडर जो है वो उसके लिए काम है। तो बहुत सारी चीजें इसके अलावा भी जो है। सो अब ये तो समझो रात दिन लगता है। टूथ पाउडर है, ये यूनानी टूथ पाउडर है। सोप जो है ये ग्लिसरीन का सोप है, पूरा ग्लिसरीन। जैसे आप मार्केट में एक ब्रांड देखो, लगता है एक ही ब्रांड जो बनाता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर ये जो सोप है जब मेरे घर पे लोगों ने इस्तेमाल किया तो मुझसे बोला गया कि आप वापिस कब जा रहे हो लाने के लिए। तो ऐसा सोप है, अगरबत्ती वगैरह हमारे यहाँ घर में लगती रहती है। तो इसको हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसके अलावा 70 और प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं दिखाने पे आ जाऊंगा तो आपको शाम तक बैठना पड़ेगा, है ना। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज है, अब मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा हलचल करें, ठीक है। मुझे बताइए कि ये प्रोडक्ट्स किसके लिए काम आ सकता है, अगर आप ये बेचना चाहें तो। अगर आप ये बेचना चाहें तो किस किस को बेच सकते हैं आप? माइक आपके पास भी आ सकता है। ये चार्ट अगर आप देख लें तो बच्चे से लेके आदमी जब तक ज़ईफ हो जाता है हर चीज। जैसे मैंने सुबह में मैं किसी से बात कर रहा था, मतलब बच्चे की मालिश के लिए भी हमारे पास ऑयल है। ये बच्चा जो है इसको अगर प्रोटीन और विटामिन चाहिए तो नेचुरल पाउडर हमारे पास ये है। ये लेडी अगर समझो कहीं में जा रही है तो इसके लिए फ्रेग्रेंस है, सोप है, हर चीज है। ये जेंडर में जा रहे तो फ्रेग्रेंस वगैरह है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये एक ही कैटेगरी में समझो एज ग्रुप थोड़ा 19-20 होगा। यहाँ पर आप आइए तो फिर वो लुब्रिनो पाउडर वगैरह और ये सारी चीजें हैं, अगरबत्ती है, क्योंकि नॉर्मली ज़ईफ लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं या मस्जिद या दरगाह वगैरह पे जाते हैं, तो ये सारी चीजें उनके लिए भी काम आती है, हर किसी के लिए काम आती है। इसमें टूथपेस्ट टूथ पाउडर जो है वो तो हर कोई यूज करता है, परफ्यूम हर कोई यूज करता है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं किसको बेचूं नहीं, हर आदमी ये यूज करता है। और सबसे बड़ी बात यह है आपको क्या क्या देंगे। सबसे पहले इंडक्शन ट्रेनिंग होगी, जिसके अंदर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, जैसे अभी कुछ लोग रहते हैं जो झिझकते हैं, बात नहीं कर सकते। अगर मुझे ये चीज बेचनी है, ये माइक बेचना है, तो जब तक मैं मुंह खोल के बात नहीं करूंगा और लोगों से अच्छे से बिहेव नहीं करूंगा, कोई मेरे से बात भी करना नहीं चाहेगा। चाइना में एक कहावत है कि जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती है उसे कभी दुकान नहीं खोलना चाहिए। जिसके चेहरे पे स्माइल नहीं होती है उसको कभी दुकान खोलना नहीं चाहिए। तो आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, आपने सॉफ्ट स्किल होना चाहिए, जब जाके आप बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। ब्यूटी में मामला थोड़ा सा अलग है, जब तक कि कड़क बात नहीं करते सामने वाला बोले अपने को दबा देगा, थोड़ा सा लॉजिक अलग है। तो प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो हम आपको देंगे। और सेल्स एंड मार्केटिंग, अगर कोई बंदा है जिसको सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं आया वो भी हम कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं 16-17 साल से सेल्स और मार्केटिंग में, तो हम लोग ऐसे मेरे जैसे लोग, मैं और मेरे जैसे लोग आएंगे जो मार्केटिंग और सेल्स के बारे में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके लिए काम आए। और ये सब फ्री है। इसके बाद सर्टिफिकेशन के बारे में मैंने बताया, यहाँ पे आप देखेंगे पीबीईज, एबीएम्स, आरबीएम्स, ये मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज है। न्यू प्रोडक्ट्स जब हम लॉन्च करेंगे तो उसके बारे में रिफ्रेशर ट्रेनिंग होगी कि ये नया प्रोडक्ट आया है इसको मार्केट में जाके आप कैसे बेचेंगे, वो भी हम करेंगे। और आखिर में जो है रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, आप में से जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। एक ये तरीका होता है कि कोई चीज अच्छा कर रहा है तो उसको आप बोलते हो कि हाँ भाई आपने अच्छा काम किया, तो वो और अच्छा काम करता है। तो अर्निंग पोटेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एक छोटी सी झलक है। पीवीई, अगर आप एक छोटे से टेरिटरी में काम करना चाहते हैं अपने फ्री टाइम में, जब चाहे जब, देखिए मैं जब नमाज पढ़ने जाता हूँ फ्राइडे के दिन मस्जिद में, तो बाहर जो है एक मैं भाई साहब को देखा हूँ जो बैग भर के यही प्रोडक्ट्स जो है लाके खाली खड़े हैं, पब्लिक उन पे टूटती है। एक घंटा नहीं लगता मगर वो समझे 10-15 हजार रुपए का माल बेच देते हैं। आप सोचो ऐसे चार जुमा को अगर आपने कर लिया है, मिसाल की बात, आपने 60-70 हजार रुपए का माल ऐसे ही बेच दिया, आप ऐसे ही मजाक में आपको 12,000 रुपए 15,000 रुपए आपको महीने के मिल जाएंगे। मैं खाली इशारा दे रहा हूँ। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हाँ इसमें मुझे मजा आ रहा है, आप एक एरिया में भी जा सकते हैं, एरिया के अंदर भी मार्केटिंग कर सकते हैं, उसमें आपकी जो इनकम है वो डबल हो जाती है। उसके बाद पूरे रीजन में जा सकते हैं। जो मिसाल के तौर पर कोई भिवंडी का नहीं है,
वो चाहता है कि मैं नासिक में ये पूरा सेटअप करूं, मैं पहले स्टार्ट करूं आईसीआईसी, जब मुझे पूरा मजा आएगा तब मैं दूसरे बच्चों को इन्वॉल्व करूं, फिर वो बच्चे जो है अगर बिजनेस करते हैं तो मैं और लोगों को इसमें इन्वॉल्व करूं। इसमें चेन नहीं बनाना है, आप लोगों को जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है आप उसे शेयर करना है। मार्केटिंग सपोर्ट में लीफलेट, पैम्फलेट्स, कैटलॉग्स वगैरह जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा, लोकल न्यूज़पेपर्स में ऐड होगी, ऑनलाइन प्रमोशन यूट्यूब वगैरह पे ऑलरेडी हमारे बहुत सारे वीडियोस वगैरह है, वो सारा कुछ रहेगा, और रोड शोज, सेमिनार्स वगैरह ये सब चलते रहेगा, लोकल मेलास वगैरह जो रहते हैं, लोकल इवेंट्स उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, और आखिर में जो है सोशल और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जैसा रहती है उधर भी हम लोग टाइप करेंगे। तो ये सब सपोर्ट जो है आपके लिए, हम ये टाइप्स करेंगे, हम ये जगह पे जहां पे भी ऑर्गेनाइज करेंगे आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। स्पेशल पैकेजिंग वगैरह करेंगे जिसके अंदर स्मॉल छोटे छोटे पैक्स होंगे, जिसको यानी आप में से अगर कोई ट्रेनिंग लेने के बाद स्टार्ट करने के लिए सिर्फ छोटा पैक लेना चाहे वो लेके जा सकता है, या इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। सेगमेंटेड पैकेजिंग है मेडिसिन वगैरह के लिए, फेस्टिवल के टाइम पे आप गिफ्ट करना चाहते हैं वो भी आप एक स्पेशल पैक बना के हम आपको दे देंगे, यानी आपके जो कस्टमर्स देना चाहे। मेरा सेशन खत्म हो गया, मैंने आपको जो बताना था मेरे तरफ से बताया, बट इसके बाद जो है आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपके जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल करना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि वो ऐसी चीज के अंदर आप इन्वेस्ट करें जो हर चीज हर इंसान की जरूरत हो। मेरे ख्याल से अगर आप कंप्यूटर बनाते हैं तो कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले कुछ लोग हैं, अगर आप कोई चीज के बिजनेस में जाते हैं तो वो बिजनेस में कुछ लोग आपके कस्टमर्स होते हैं, और ये बिजनेस के अंदर हर जिंदा आदमी आपका कस्टमर है, हर आदमी जो सांस ले रहा है वो आपका कस्टमर है। आप सोचिए कि ऐसे बिजनेस के अंदर अगर आप जाते हैं, और मैं क्योंकि इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ तो इंडस्ट्री को कभी मंदी नहीं आती। एक इंडस्ट्री है एफएमसीजी और दूसरी है फार्मा, और ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन है क्योंकि इसके अंदर मेडिसिन भी है और इसके अंदर एफएमसीजी भी है, तो ये दोनों इंडस्ट्री का मिला के जो सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन ये है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ भी हो सकता है, भिवंडी में मंदी है, कहीं पे रियल स्टेट डाउन चल रहा है, कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है, मगर ये तो आदमी हर आदमी पाउडर को यूज करता है, हर आदमी परफ्यूम को यूज करता है, ये हर एक इंसान की जरूरत है। तो ये चीज मैं बताना चाहूंगा, पहला ये कि आप हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक छोटा सा फॉर्म है, अगर आप ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है जो फ्री ट्रेनिंग है आप उसका फॉर्म भरिए, उसके बाद ये 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 घंटा पर डे, मैं उसका डेट आपको हम लोग SMS करके बता देंगे। उसके बाद आपको अगर ये ट्रेनिंग से फायदा हो रहा है, आप काम सही है, तो आप जब फुल्ली सेटिस्फाइड हो तो आप एक छोटा सा पैकेज खरीद लीजिए जो आपको समझे, या तो फिर आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, और उसके बाद हम आपको सपोर्ट करेंगे ट्रेनिंग के तरीके से और बाकी जो सपोर्ट आइटम है आप बेचना चालू कर सकते। इतना मेरा सेशन खत्म है, अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते, अगर जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है कुछ भी हो सोचो मत कि क्वेश्चन अच्छा है बुरा है सही है गलत है, आप पूछ सकते। तो पहला क्वेश्चन कोई कौन पूछना चाहता है, आज उम्र करें पहला क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है, या तो मैं बहुत अच्छा था या तो मैं बहुत बुरा था, या तो मैं ऐसा था कि मैं सारी चीजें समझा दी, या तो आप लोगों को मैंने सुना दिया था, दोनों में से एक हो सकता है। एक एक क्वेश्चन पीछे देते हैं फिर उसके बाद उनके माइंड सेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं कि आप इस प्रोडक्ट के ऊपर से स्विच करके यहाँ चले, बिकॉज आज ऑलरेडी सभी के नजर में अगर आप डियोर में देखें तो जो ऑलरेडी मार्केट में है सारी लोगों के माइंड में पाके बैठे हो ये सब बैंकर्स हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछे भाई ने, ये सवाल पूछे कि जो ऑलरेडी मेरे दिमाग में एक ब्रांड बैठा हुआ है उससे मुझे मूव करके ऐसे ब्रांड पे क्यों आना है। सबसे पहली बात है एक एकदम छोटी मिसाल मैं आपको दूंगा, मैं हमेशा अल्कोहलिक परफ्यूम यूज करता, एक सिंपल सी मिसाल, आप कोई ब्रांड नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं मस्जिद में जाऊं वजू करूं नमाज पढ़ूं, अगर उसको खाली इतना बात बता दो कि भैया तुम तो यार कोई ब्रांड यूज करके आ रहा है जिसमें अल्कोहल है तो नॉन अल्कोहलिक यूज करो, हमारा काम हो गया। नंबर एक, नंबर दो, कोई भी कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा मगर आज FMCG मार्केट में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के सामने
खत्म हो चुके हैं। हैरान हो गया कि ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन समझते भी नहीं थे, इसने ये कमाल कैसे कर दिया। क्योंकि प्रोडक्ट्स, मैं उनकी क्वालिटी के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, मगर प्रोडक्ट्स की पोजीशनिंग जो है वो बहुत जरूरी है। आज हम लोग सोचते हैं कि हर प्रोडक्ट जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा कोई प्रोडक्ट का, पर वो हमको फायदा पहुंचा रहा है। जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आप देखते हो कि हाँ ये इतने बैक्टीरिया मर गए, 100% बैक्टीरिया मर गए, अभी 12 घंटे तक कोई बैक्टीरिया ही नहीं आएगा, और उसको मुंह खोल के पूछो उसके 17 तकलीफ रहेंगे दांत में। तो ये मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि कौन क्या करता है, कोई मिसलीड करता है, ये करता है वो करता है। सबसे आसान तरीका ये होगा कि उसको बोलो कि ये सैंपल लो, ये यूज करो, और यूज करने के बाद हमारे को बताओ कि इसका रिजल्ट क्या है। सबसे बेहतरीन चीज तो वही है, सैंपल दे दो। मेरे ख्याल से जब तक आप सैंपल नहीं दोगे, सामने वाले को कितना भी समझाओ नहीं समझेगा। अभी मिसाल के तौर पर आप कोई भी सोप यूज करते हो, उसमें हम बार बार सुनते हैं कि इसमें कोई केमिकल है, ये है वो है, पर हम लोग उसको नजरअंदाज करते हैं। पर अगर यही सोप, ये सोप जो है इनका, ये मैं मेरे घर पे लेके गया था एक बार, इसको यूज किया, इसमें अगर आप खोल के देखेंगे अभी, इसके अंदर आप देख सकते हैं जाफरान के वो जो धागे होते हैं वो भी है इसमें। तो आप देखिए ये चीज जो है, जब आपके घर में जाएगी या किसी को भी आप दे रहे हैं कि भैया आजमा के देख ले, एक बार सैंपल ले, यूज कर ले। ऑफकोर्स वो फ्री में नहीं देना है आपको, आपको पैसे देने। जब ये आदमी यूज करेगा, ये पानी में गलता नहीं है, ये पानी में चिपचिपा नहीं होता, ये इसकी खुशबू देखिए आप, नेचुरल, ऐसा नहीं कि कोई आर्टिफिशियल खुशबू इसमें ज्यादा कुछ आ रही है, और बहुत सूदिंग। मैंने खुद ने यूज किया, इसके लिए मैं इतना डिस्क्रिप्शन दे पा रहा हूँ। तो जब आप ये सामने वाले को देंगे, एक बार देंगे, यकीनन वो दो बार आएगा आपके पास कि मुझे वो चाहिए। मैं अदनान भाई से मैंने सुना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे कम्युनिटी में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो सुपर रिच कैटेगरी में, यानी अगर वो चाहे तो कोई भी मल्टीनेशनल ब्रांड ले सकते हैं, मगर जब भी अदनान भाई को फोन आता है, भाई वो सामान थोड़ा अपने लिए जरा प्लीज भिजवा दे। सुपर रिच, सुपर लग्जरी लेवल पे जो लोग रहते हैं वो ये ब्रांड लेते हैं। इसका एक ही फायदा ये है कि ये ओरिजिनल चीज है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये तुम्हारे फायदे के लिए है, इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं। किसी भी बंदे को अगर आपको कन्विंस करना है, उसको एक बार बोलना भैया जस्ट चेक कर ले। वो इंग्लिश में एक कहावत है ना, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। पुडिंग बहुत अच्छी बनी है, आप कैसे जान सकते हो, जब तक आप खाओगे नहीं। जब आप खाओगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये पुडिंग कैसी है। तो हमारे को वही करना है, और मुझे 200% गारंटी है कि आदमी स्विच करेगा। और ये कोई मार्केटिंग गिमिक के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ये इनका प्रोडक्ट। सर कल मुझे मिले थे तो मैंने उनसे खाली, यानी ऐसे ही हमारी दोस्ती यारी में मैंने उनसे शेयर कर दी, हो सकता है वो यूज भी करे होंगे। तो ये रुको नहीं था, मेरे जेब में पड़ा रहता है। मैं ऑफिस में जाता हूँ, मेरा काम है मार्केटिंग का, मैं खुद मार्केटिंग में हूँ। इतना स्वेटिंग हो रही है, अब देखो तुम्हारे सामने स्वेटिंग हो रही है। ऐसा निकालता हूँ मीटिंग में घुसने से पहले, कोई डायरेक्टर से मिल रहा हूँ, कोई एचआर हेड से मिल रहा हूँ, कहीं से भी मिल रहा हूँ, ये छोटे से पॉकेट में रहता है, ऐसा निकाला ऐसे लगा दिया, बस खत्म हो गई बात। तो ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपको खाली देना है सैंपल, एक दो बार दे देंगे बंदर सामने से आ जाएंगे, और हमें किसी को फ्री नहीं बांटना, से पैसे दे देंगे। बात समझ आ रही है? आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। हर प्रोडक्ट जो है इंडिया का, एक मिसाल देता हूँ, कोई प्रोडक्ट इंडिया में जब लॉन्च हुआ था तो उसने बोला था कि इंडिया के अंदर जो है आप लोग बोलते वो नमक और कोयले से दांत साफ करते हो, वो तुम्हारे दांत के लिए अच्छा नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, मगर आज वही ऑर्गेनाइजेशन जो है एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है जिसके अंदर लिखता है कि इसमें कोयला है, इसमें नमक है। आज ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको समझदार हो, जो पहले बोलते थे ये जड़ी बूटी से कुछ नहीं होने वाला, आपको ये ऐसा चाहिए वैसा ही है। अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल हो गया जड़ी बूटी को खुद ने लॉन्च कर दिया कि ये इसमें बहुत सारी जड़ी बूटी है। देखो आप, ये मार्केट का ट्रेंड है। आज से 200 साल पहले हमको बेवकूफ बना देते कि आप नमक मत लगाओ, अभी नमक डाल के बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं मार्केट के अंदर, आपको समझना, लोगों को एजुकेट करना है और कुछ नहीं। तो खैर, और कोई क्वेश्चन अगर आई होगा आंसर योर क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो प्लीज पूछिए, क्योंकि जब तक कि आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे मुझे लगेगा कि आपको या तो समझा नहीं है कुछ, या तो हो सकता है आप झिझक रहे हैं कि कुछ पूछूंगा तो बुरा तो नहीं लग जाएगा या ऐसे कुछ। ट्रेनिंग जो है वो कंपलसरी है। सो प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं आपको बताने पे आ जाऊंगा, हर एक प्रोडक्ट की एक खासियत है, हर एक प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिकेशन है। जैसे मिसाल के तौर पे कलौंजी ऑयल, खिजर हमको सबको मालूम है कलौंजी सबसे बेनिफिशियल है, मगर ये इसको कैसे लेना है, कैसे
कंज्यूम करना है, ये तो आपको समझना होगा ताकि आप लोगों को सामने बता सके। नंबर एक, नंबर दो, अभी ये नेचुरल पावर है, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है इसका सबको आपको देना है, तो प्रोडक्ट नॉलेज तो कंपलसरी है। तो मार्केटिंग में बिना प्रोडक्ट नॉलेज के आप कुछ नहीं कर सकते, आपको गलत नॉलेज नहीं देनी है, सही नॉलेज देनी है, फिर भी आपको प्रोडक्ट नॉलेज लेना जरूरी है। तो ट्रेनिंग इसलिए है कि यू शुड गेट कंप्लीट नॉलेज, उसके बाद आपके स्किल्स भी शार्पन हो जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं मेरे को समझते नहीं, मेरे को ये नहीं करना है, और वो जरूरी चीज होती है, वो करना जरूरी है। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछे आपने। इनिशियल कैपिटल कितना हो सकता है? मैं कहूंगा कि आप कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो क्वेश्चन आप ही सोच लीजिए, क्योंकि मेरे लिए अगर आप देखेंगे एक वीक में आप मेरे लिए 2000 रुपए का भी माल लेके जा रहे हैं और आप उसमें कमीशन कमा रहे हैं, और फिर अगले हफ्ते फिर आ रहे हैं वही 2000 को रोल ऑन कर रहे हैं, तो मेरे लिए 2000 रुपए काफी है, मगर आपके लिए कितना काफी है? क्योंकि आपको ये अंदाजा लगाना है कि आपको कितना कमीशन कमाना है। आप इनिशियल कैपिटल डालेंगे फिर उसको रोल ऑन करते 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 वो एक बढ़ता रहेगा, आप प्रॉफिट उसमें से निकाल सकते हैं, मगर आपको कितने क्वांटिटी में करना है, कितने एरिया में करना है। आप अगर समझो मिसाल के तौर पर अगर आप कोई एक ऐसे एरिया से है जो भिवंडी से बाहर है, हो सकता है कि आप सोचेंगे नहीं मैं पहले छोटा इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर 6 महीने बाद उसको और ज्यादा एक्सपांड करूंगा, फिर और एक्सपांड करूंगा, हो सकता है 3 साल में वो पूरा डिस्ट्रिक्ट आप कवर कर लें। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, नासिक डिस्ट्रिक्ट हो गया, कहीं पर कोई और डिस्ट्रिक्ट हो गया, वो सब कवर करना है। ये खुला मैदान है भाई, जितना दौड़ोगे आप उतना दौड़ सकते हो। वो मगर एक इंग्लिश की कहावत है, द जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप। अगर आपको 1000 किलोमीटर दूर भी जाना है और आपको घर के बाहर पहला कदम निकालना है, जब तक आप घर के बाहर पहला कदम निकाल ही आएंगे तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। आपको पहला कदम है और आप डिसाइड कीजिए कितना है। हमारे लिए प्रोडक्ट के ऊपर जो MRP है वो हिसाब से हमारा जो कैलकुलेशन है वो हम आपको बता देंगे, वो हिसाब से आपको ये करना है। तो कितना क्वांटिटी में कौन सा प्रोडक्ट लेना है वो भी हम आपको बता देंगे। प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी और मालूम अगर चाहिए तो अदनान भाई इज द राइट पर्सन। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, जैसे आपने जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें जो एंड यूजर्स है सिर्फ उनके बारे में हम लोगों ने बात करें, तो बीच में जैसे अगर रिटेलर्स को अगर सेल करना चाहे तो क्या हम उनको भी दे सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछे। देखिए, ये आप लोगों को हमने इसलिए एडवांटेज दिया यहाँ पर आने के लिए कि हम चाहते हैं कि आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि रिटेलर्स को आप जाके ये चीज आगे कन्विंस करके उनके कियोस्क पे या उनके शॉप में या कहीं पे वो रखवाए, वो यू आर ओपन टू डू दैट। खाली इतना है कि भिवंडी के लिए हमारी एक टाइप हो चुकी है, तो भिवंडी जिरिस्डिक्शन अदनान भाई आपको बताएंगे कि क्या जिरिस्डिक्शन के अंदर हम लोग किसी से टाइप कर चुके हैं। उसके अलावा आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी उंगली रखिए आप कर सकते हैं, पूरे स्टेट में 2000 स्टेट में कहीं पे भी करना चाहे तो कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपको मिसाल के तौर पर आंध्रा में करना है या तमिलनाडु में करना है, तो हमारे बॉक्स के ऊपर हम लोग वो अगर ज्यादा क्वांटिटी में करना है आपको, पूरे एरिया में करना है या रीजन में करना है, तो हम उसके अंदर तमिल तेलुगु जो भी लैंग्वेज में बोलेंगे हम ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। मगर ये है कि आपको डिसाइड करना है कि मैं आज से स्टार्ट करूंगा, पहले मैं देखूंगा इसका रिस्पॉन्स क्या आता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते करूंगा। जब आपको लगता है कि नहीं अब वो लेवल आ गया है कि मुझे अभी वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में करना है या पूरे स्टेट में करना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो इनफैक्ट वो जो स्लाइड में मैंने बताया था कि RBM पोजीशन रीजनल बिजनेस एसोसिएट या रीजनल बिजनेस मैनेजर, वो आप कब सोचेंगे? हो सकता है 1.5 साल में 2 साल में। पहले आप एक छोटे से एरिया से स्टार्ट करेंगे, फिर बड़े एरिया में, फिर बड़े एरिया में।